ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों. भिवंडी, आई एम वेरी फाइन. औरंगाबाद, हेलो औरंगाबाद. आई टोल्ड यू दैट वी विल डेफिनेटली लूज. भिवंडी स्टिलिंग लुकिंग सो मच ऑसम टुडे. थैंक यू भिवंडी फॉर नथिंग बट अ गुड कॉम्प्लीमेंट. गुवाहाटी, गुड आफ्टरनून. गोवा, गुड आफ्टरनून. मथुरा, गुड आफ्टरनून. वापी, केम छो? वापी मो मजामा. जूनागढ़, गुड आफ्टरनून. होप यू पीपल हैव हैड अ गुड लंच, बट नॉट दैट मच दैट यू हैव टू जस्ट स्लीप. भिवंडी बोलता है ज्यादा खुद तुम खुश मत हो. ओके, एज यू से भिवंडी. वापी बोलता है जलसा सर. ओके, फेयर इनफ. वापी, आई एम कमिंग टू दमन ऑन 21 नवंबर. उसके बाद उज्जैन, जय श्री कृष्ण, जय श्री आजाला. वडोदरा बोलता है सर ऑडिटिंग का मटेरियल नहीं है, जिसके पास है वो अच्छी बात है. वापी टेल्स मी वेलकम. गोवा टेल्स मी गुड आफ्टरनून. मथुरा टेल्स मी राधे राधे. ओके, अ लॉट ऑफ प्लेजेंट्रीज देन. वैशाली नगर, थैंक्स फॉर वेलकमिंग. यू आर द फर्स्ट इनफैक्ट टू मैसेज एंड द लास्ट इनफैक्ट ऑफ माइन. रतलाम बोलता है सर हम. रतलाम डेफिनेटली गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. वडोदरा बोलता है कब मिलेगा. वडोदरा, आई एम नॉट द इंचार्ज. इंचार्ज इज द रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी मैनेजर्स. प्लीज कंसल्ट देम व्हेन इन द वर्ल्ड विल यू गेट एन ऑडिटिंग टेक्स्ट बुक प्लीज. ओके बच्चो, आई वॉन्ट एवरीबडी टू पे अटेंशन. फर्स्ट सेटल डाउन. वडोदरा, शांति थी बेसो. हे छोकरी, शांति थी बेस. चल सीधी बेस, बराबर सीधी बेस. अरे शू बुक बुक करे जे, जल्दी काट ने, जल्दी सीधी बेस. नाटक ना कर. बराबर कान पकड़. शाबाश, तने मुर्गी बनावीस, मस्त करे तू. मुर्गी बना. वापी, वापी का तो डिमांड चालू हो गया है. औरंगाबाद बोलते हैं सर कनेक्ट करो. अरे अरे बॉस, औरंगाबाद कनेक्ट करो ना. पता नहीं क्या हो गया. हेलो, बोल भाई. बोल. अरे माइक चालू करो और बोल. तूने बोला ना कनेक्ट करो, माइक चालू कर. सर नहीं हुए. सर है सर, वो कनेक्ट कर. सर वो कनेक्ट कर. आप मुर्गी मुर्गा बनाने को बोल रहे थे सर, सब देखते थे फिर. अच्छा, इसके लिए कनेक्ट करो. साले तेरे को मुर्गी बने हुए देखना है किसी को? भेज रहा, शर्म नहीं आती तुझे? आजो वडोदरा. ये देखो क्या बोल रहा है. बोलता है सर उसको कनेक्ट करो तो सब लोग देखे, पूरा इंडिया देखे कैसे मुर्गी बन रही है. इमेजिन, बेशर्मी की हाइट्स होती है बस इंडिया में. कल भी मतलब इज्जत तो हमने मतलब ले लो ले लो. मारो हमारी, मारो. 438 मारे. ओके चलो खत्म. अरे ओके बच्चो, आई वॉन्टेड टू सेटल डाउन एंड प्लीज पे अटेंशन. वी हैव अ जॉब एट हैंड. लेट अस स्टार्ट. यस भिवंडी, इट वॉज अ 3D अटैक यस्टरडे. आई टोल्ड यू इंडिया विल लूज. यार आई मीन यू ऑलवेज नो. वडोदरा, ए शांतिराज छोकरी पाची एने त्या बोलावे छे, एटलो खास नथी. आ तो जो. ओके, पे अटेंशन प्लीज. ओके, we people have to start with the subject of auditing. Achha, suno abhi. Koi mujhe bata sakta hai what do you mean by audit? Chalo thoko. And please ye basic explanation mein dhyan dena. 25-30 minutes of explanation hoga. Sabka dhyan chahiye please. Aur attention chahiye, response chahiye as usual. Everybody has been a brilliant franchisee up till now. इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूर ऑल्सो आई वॉन्ट प्लीज. चलो बोलो वॉट डू मीन बाय ऑडिट. वडोदरा बोलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. भिवंडी बोलता है चेकिंग एंड वेरिफिकेशन. उज्जैन बोलता है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडियर विच मीन्स टू हियर एंड उज्जैन इज मैड. वैशाली नगर बोलता है चेकिंग ऑफ फाइल्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स. किशनगढ़ बोलता है चेकिंग अकाउंट्स. ओके, गोवा बोलता है चेकिंग एंड एनालिसिस. गोवा बोलता है, गुवाहाटी बोलता है रिव्यू और इंस्पेक्शन. औरंगाबाद बोलते हैं ऑडिट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए. वडोदरा बेस्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव.
सही था रे। ओके अभी इधर ध्यान दो बेशर्मो। हाँ अभी कंट्रोल कर, बाद में मारेंगे उसको मिलके, आराम से आराम से। वो भुवनेश्वर कुमार नहीं है कि इतना मार रहे हो उसकी। शांति शांति, सुनो इधर ध्यान दो रे। ओके ये सब ऑडिट ऑडिट सब भूल जाओ, मेरे पे ध्यान दो। ऑडिट डायरेक्टली दिमाग के अंदर, सुनो। ओके बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं, अभी तुम लोग कौन हो? तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ध्यान देना प्लीज, तुम लोग स्टूडेंट्स हो। अभी अगर तुम स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली स्टूडेंट की लाइफ में एक अनहोनी घटना होती है, एग्जाम। तो हर एक स्टूडेंट क्या देता है? एग्जाम, बराबर। अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जब भी एक स्टूडेंट एग्जाम लिखता है, क्या वो स्टूडेंट अपना खुद का एग्जाम चेक कर सकता है क्या? नहीं चेक कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? सिंपल रीजन है, अगर स्टूडेंट ने खुद का एग्जाम चेक किया, आई होप यू रियलाइज स्टूडेंट हमेशा देगा 100 आउट ऑफ 100, मतलब हर एक स्टूडेंट को मिलेगा रैंक नंबर 1। बट आई होप यू रियलाइज बच्चों, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट इज बिकॉज स्टूडेंट सही है या नहीं और कितना सही और कितना गलत, वो चेक खुद स्टूडेंट नहीं करेगा। उसको चेक करने के लिए एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन चाहिए, और वो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन को बच्चों हम लोग बोलते हैं एग्जामिनर। हेलो, बराबर। अभी तुम लोग को पता है क्या करना है? सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, एब्सोल्यूट सेम कॉन्सेप्ट, पर एग्जाम में नहीं। नाउ यू हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर एक कंपनी क्या प्रिपेयर कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वर्ड स्पेसिफिक बच्चों। हर एक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी क्या प्रिपेयर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, क्या मैनेजमेंट अपना खुद का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बहुत सिंपल रीजन है, मैनेजमेंट क्या बोलेगा? मैनेजमेंट ये बोलेगा कि भाई ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने बनाया ना, वो पूरे का पूरा सही है, 100% करेक्ट। तो मेरे को बोलो, क्या मैनेजमेंट चेक कर सकता है? नहीं। इसके लिए ही ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, आपके एग्जाम जैसे एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन चेक करेगा, और वो इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन बच्चों कौन होगा? ऑडिटर। एंड वो जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑडिटिंग। सो व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु चेक्स इज द ऑडिटर, एंड व्हाट ही डज इज नोन एज ऑडिटिंग। हेलो, ओके। सो व्हाट इज ऑडिटिंग? सिंपल वन लाइन अगेन, ऑडिटिंग इज चेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। द पर्सन हु चेक्स इज द ऑडिटर, एंड व्हाट ही डज इज ऑडिटिंग। इतना ठीक है? ओके तो अभी डाउट आएगा बच्चों, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर? एनीबडी? कैन एनीबडी बिकम एन ऑडिटर? नो। औरंगाबाद एकदम बराबर, बाकी सब थोड़े थोड़े बराबर। नॉर्मली मुझे आंसर्स मिल रहे हैं दैट ऑडिटर शुड बी अ सीए। ये इनकम्प्लीट क्वालिफिकेशन है बच्चों। वडोदरा बोलता है सर क्वालिफाइड सीए। अबे गधे, अगर तू क्वालिफाइड नहीं होगा तो सीए कैसे बनेगा रे? अरे कौन है ये? यही है ना, इसकी मारो, इसके लिए इसकी मराठी है। मारो मारो, बजा बजा साले को, बजा बजा, तुन तुना बजा। हाँ मेहुल ना, बजा बजा। शाबाश, बस बस बस, थैंक यू बस, थैंक यू बस। हवे अरे हैंड ओवर्स माटे पण राख, बाकी पछी अमारशु एनी आराम थी, बहु टाइम छे आपणी पाहे, 1.5 कलाक लईને બેઠા આપણે। શાંતિ રાખ, ધીરે ધીરે મારશું, ટેન્શન નહીં લે। અરે કોઈ બોલતા હે ક્વોલિફાઈડ સીએ, ક્યા હે પકવાસ? અરે ક્વોલિફાઈડ સીએ નહીં, ઇનકમ્પ્લીટ ક્વોલિફિકેશન યે હે, હી શુડ નોટ ઓન્લી બી સીએ, હી શુડ બી પ્રેક્ટિસિંગ સીએ। ગધે, प्रैक्टिसिंग सीए इज द करेक्ट आंसर। इट इज बिकॉज सबसे पहले प्रैक्टिसिंग सीए कौन होता है?
डेफिनेटली सीए, पर प्रैक्टिस सीए वो होता है जो होल्ड करता है समथिंग विच इज नोन एज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. क्या बोला? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? सीओपी. कौन सा ओपी? सीओपी. एंड ये सीओपी कौन इश्यू करता है? आईसीएआई. तो बच्चों, व्हाट इज द टोटल क्वालिफिकेशन? द टोटल क्वालिफिकेशन इज सीए प्लस सीओपी बाय आईसीएआई. इन अदर वर्ड्स, नॉर्मल सीए के प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिसिंग मतलब क्या? नॉर्मल सीए ऑडिट कर सकते हैं? नहीं. फॉर अ सिंपल एग्जाम्पल बच्चों, से मी पर्सनली, नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इफ यू डोंट नो, नाउ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बट आई डोंट होल्ड अ सीओपी. क्वेश्चन, इफ आई डोंट होल्ड अ सीओपी, कैन आई डू ऑडिट? नो, बट स्टिल आई एम टीचिंग ऑडिट. हाँ, बट आई होप यू रियलाइज दैट अल्टीमेटली, अरे सुनो ना यार, सुनो, आराम से सुनो. औरंगाबाद दैट इज करेक्ट, भिवंडी दैट इज करेक्ट, वापी दैट इज करेक्ट. बोलते सर स्पेशल टैलेंट, इंडिया हैज गॉट टैलेंट. अभी सुनो बोले शर्मो. सो अल्टीमेटली जब भी मैंने तुम लोग क्वालिफिकेशन पूछा ना, तुम्हारा आंसर शुड नेवर बी सीए, तुम्हारा आंसर शुड बी सीए प्लस सीओपी बाय आईसीआई या तो प्रैक्टिसिंग सीए. ये ठीक है? अभी मेरे पास सीओपी नहीं है गधो, तो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं? नहीं. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ऑडिट करना है तो प्रैक्टिकली सबसे पहले मुझे अप्लाई करना पड़ेगा किसको? आईसीआई को. किसके लिए? सीओपी के लिए. फिर जब भी मुझे सीओपी मिलेगा तो मैं ये बनूंगा, मतलब मैं ये बनूंगा, तो मैं ये बनूंगा, फिर मैं ये करूंगा. हेलो, इधर तक ठीक है? ओके ओके, आगे सुनो, बस ऐसे ही सुनते जाओ और नॉलेज पाते जाओ. आज अच्छे डायलॉग आ रहे. हाँ, अभी सुनो. अभी मेरे को जरा जवाब देना, हुआ द ओनर ऑफ द कंपनी? हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? क्वेश्चन है मेरा, बराबर. आई होप रियलाइज ओनर्स आर द शेयर होल्डर्स, बराबर. अभी तुम जरा कॉमन सेंस, हाँ, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स ओनली, भिखारी. अभी सुनो बराबर से. नाउ आई होप यू रियलाइज, अभी अगर शेयर होल्डर होगा तो शेयर होल्डर अल्टीमेटली बच्चों क्या इन्वेस्ट करता है? क्या इन्वेस्ट करता है? पैसा, बराबर. मतलब शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी. ओके, क्वेश्चन, डू द शेयर होल्डर्स टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द डे टू डे बिजनेस? शेयर होल्डर रोज सुबह ऐसे तैयार होके कंपनी में जाते हैं काम, ऐसा नहीं. आई होप यू रियलाइज, वो काम कौन करता है? बराबर, अल्टीमेटली वो काम करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. हाँ, शॉर्ट में क्या बोलने का उसको? बीओडी. कौन सा ओडी? बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. मतलब क्या बच्चों, सुनना बराबर से. शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे पैसा किस में? कंपनी में. पर कंपनी रन कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर. अच्छा, अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है तुमको, इफ द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, डू द शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू नो वेदर देयर मनी इज प्रॉपरली यूज्ड और नॉट? यस. देन सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन द शेयर होल्डर आस्क दिस सिंपल क्वेश्चन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? Definitely yes. If they ask this question to the board of directors, if you people agree, bacho, board of directors again will give only one answer. Can you tell me what answer? They will give the answer, shareholders, don't worry. Your business and your money is always in safe hands. Sab kuch sahi hai. Everything invested at proper place. Barabar Vaishali Nagar. Matlab. शेयर होल्डर्स एक ही जवाब देंगे, सब सही है, आप चिंता मत करो, आप घर पे बैठो, बस पैसा दे दिया, सब भूल जाओ, हमारे पे छोड़ दो. अरे तुम पे छोड़ के ही तो प्रॉब्लम हो सकता है. हेलो, तो किसी को तो ये चेक करना पड़ेगा ना कि बिजनेस बराबर से चल रहा है या नहीं.
बट आई होप यू रियलाइज शेयर होल्डर ये घड़ी घड़ी रोज आके चेक नहीं कर सकता, तो शेयर होल्डर को किसी एक इंसान पे वो ट्रस्ट बिठाना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को किसी एक इंसान पे बिलीव करना पड़ेगा कि ओके आप चेक करो कि ये मैनेजमेंट जो बोल रहा है और जो कर रहा है वो सही है या नहीं। हेलो, एंड वो इंसान जो ये चेक करेगा जिसपे शेयर होल्डर बिलीव कर सकता है वो इंसान कौन होगा? ऑडिटर। इट इज बिकॉज वैशाली नगर ट्रस्टी बोलते हैं, ट्रस्टी। इमेजिन करो, बोलते हैं सर आपने उसमें ट्रस्ट बिठाया, आपने उसको ट्रस्ट किया तो वो ट्रस्टी। प्लीज आप जरा वैशाली नगर कनेक्ट करें, मेरे से रहा नहीं जा रहा है। प्लीज बॉस, 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 ए वैशाली नगर, आ जा बेटा, आ जा, आ जा। अच्छा बेटा, मतलब जिसमें आप ट्रस्ट करते हो ट्रस्टी? हाँ हाँ, पूरे इंडिया का, पूरे इंडिया का, बराबर से सुन, पूरे इंडिया का डिमांड आ रहा है आपको मुर्गी बनाने के लिए, पूरे इंडिया का, अजमेर वैशाली नगर छोड़ दो, पूरे इंडिया का आ रहा है, सोचो। और वो वडोदरा तो बोल भी रहा है कुकड़ुकू कुकड़ुकू, रतलाम को तो तेरा नाम भी पता है कि तू प्रज्ञा है, आई थिंक ही इज टॉकिंग। उसी को बना दो, अरे बेशरम कही की है, जिसमें ट्रस्ट बोलते वो ट्रस्टी, मतलब अगर तू मुझे ट्रस्ट करती है तो मैं तेरा ट्रस्टी। पागल भैया, सॉरी बोल, माइक नीचे रख और दोनों कान पकड़। देखो देखो सी इज अ वेरी इनोसेंट गर्ल, शी ऑलवेज आंसर्स वेल, टेंशन ले लेने का और बराबर आंसर कर, बेशक हम ट्रस्टी कहां से आएगा। सॉरी सर। अरे विंदास टेंशन मत ले बेटा, ये तो अभी सीख रहे हैं, ऐसे ही हंसी मजाक थोड़ा। चलो आ जाओ वापस, इसको बंद करो रे। ओके, आई होप रियलाइज बच्चों, जिसपे आप ट्रस्ट करोगे वो ट्रस्टी नहीं होगा, जिसको आप ट्रस्ट करोगे वो ऑडिटर होगा। रीजन बहुत सिंपल है, सुनना बराबर से। इट इज बिकॉज बच्चों ऑडिटर चेक करेगा, क्या चेक करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएगा, कौन बनाएगा? मैनेजमेंट। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, ऑडिटर चेक करता है वर्क डन बाय द मैनेजमेंट, एंड ऑडिटर ये बोलेगा, किसको बोलेगा? इसको नहीं बोलेगा, शेयर होल्डर्स को बोलेगा कि देखो मैनेजमेंट ऐसा ऐसा काम कर रहा है, बराबर है या नहीं आप सोच लो। तुमको समझा मैंने बोला? अगर तुमको इधर तक सब समझा ना तो तुमको यह भी समझेगा बच्चों, ऑडिटर एक इंटरमीडियरी है, एंड ही इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन टू अथॉरिटीज। कैन यू टेल मी कौन और कौन? बराबर, ही इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। इट इज बिकॉज बच्चों वॉट एवर इज द वर्क डन बाय द मैनेजमेंट, इट विल बी चेक्ड बाय द ऑडिटर एंड ही विल टेल इट टू द शेयर होल्डर्स। हेलो, ओके बच्चों, मैं तुमको थोड़ा प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग समझाता हूं, समझ जाना। ये तो तुम समझ ही गए हो कि ऑडिटर इसका चेक करता है और उसको बोलता है कि इसका बराबर है या नहीं काम काम। मुझे मैंने स्पेसिफाई करना आज की लाइफ में जरूरी हो गया है, वरना दूसरा मीनिंग आने तक देर नहीं लगती है। बराबर, वापी बोल रहा है बराबर, गुवाहाटी वो सब बाद में, अभी सुनो बराबर से, कोल्हापुर लोल कर रहा है लोल एलओएल सुनो रे बेशर्मो, इधर ध्यान दो। ओके
पापी बोलते हैं सर, दूसरा मीनिंग फुर्जी की स्पीड से आता है। सुनो अभी मैं तुमको प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग बताता हूं जो इंपॉर्टेंट है। सुनो, सबसे पहले कंपनी का मैनेजमेंट, ये बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करने पड़ते हैं चेक, नहीं कर सकते मैनेजमेंट तो करता है ऑडिटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करके ऑडिटर देता है ओपिनियन, एंड वो ओपिनियन देता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड वो ओपिनियन देता है कि ये सही है या नहीं। और वो सही है या नहीं को ऑडिट में बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। मतलब क्या वो हद तक सही है उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। क्या है बाद में बताऊंगा बच्चों, एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड। वो ओपिनियन देता है एफएस पे के वो एफएस ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, एंड ये वो रिपोर्ट करता है शेयर होल्डर्स को। हेलो, ये है सिंपल प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, सीखते हैं। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत सिंपल बच्चों। सबसे पहले मैनेजमेंट बनाता है एफएस, एफएस को करना पड़ता है चेक, पर मैनेजमेंट चेक नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद ने किया है। तो अल्टीमेटली ये चेक करेगा ऑडिटर, चेक करने के बाद ऑडिटर देगा ओपिनियन, और वो ओपिनियन देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, एंड वो ओपिनियन देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या नहीं, एंड ये ओपिनियन वो देगा शेयर होल्डर्स को। तुमको समझा मैं जो बोला? ओके, इसके लिए मैंने बोला बच्चों कि ऑडिटर इंटरमीडियरी है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी मैनेजमेंट करेगा वो ऑडिटर चेक करेगा एंड शेयर होल्डर्स को बताएगा। क्लियर? ओके, इधर तक सब ठीक है बच्चों? शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, सब सिंपल करके दिया है मैंने। ओके, आगे चलते हैं। सुनो, अभी अगर तुम ऑडिट करोगे, वन थिंग तो श्योर है बच्चों, ऑडिटिंग के होंगे कुछ एडवांटेजेस और होंगे कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एडवांटेजेस से, उसके बाद जाएंगे डिसएडवांटेजेस पे। प्लीज जरा ध्यान देना, कोई मुझे एडवांटेज बता सकता है? ठोको, एक मिनट देता हूं फिर मैं बोलता हूं। उज्जैन बोलता है ट्रू एंड फेयर व्यू। उज्जैन में तेरे को उधर आके ही देखूंगा। यस आई विल प्रोवाइड नोट्स, डोंट वरी, लीव ऑडिट टू मी, ट्रस्ट इन मी, आई एम द ऑडिटर हियर। हेलो, रिलैक्स। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोवा बोलता है एकदम बराबर। भिवंडी बोलता है पोजीशन ऑफ द कंपनी, यस पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैशाली नगर बोलता है भिवंडी, जस्ट अंडरस्टैंड, डोंट राइट एनीथिंग। वडोदरा बोलता है सेफ्टी ऑफ द मनी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। मथुरा, नो केओस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट। ओके ओके, इधर ध्यान दो, बहुत सारे नॉर्मली डिसेंट आंसर्स आए हैं, सेंसिबल आंसर्स आए, मैं तुम लोग के लिए और सिंपल करके देता हूं, सुनो बराबर से। ओके, भिवंडी कंट्रोल कर और मुझे फोकस करने दिया। हाँ, ध्यान दो अभी। सबसे पहले फॉर अ सिंपल एग्जांपल, से दो कंपनी है, से देर इज कंपनी एक्स एंड से देर इज कंपनी वाई। वाओ, ब्रिलियंट, पीपल को कंपनीज भी पता है कि कौन सी कंपनी है। वाह बच्चों वाह, एक है कंपनी एक्स, दूसरी है कंपनी वाई, ठीक है। अभी सुनना बराबर से, ये दोनों कंपनियों को लोन चाहिए एंड ये दोनों कंपनियों को लोन चाहिए एक बैंक से, एंड दोनों कंपनियों को लोन चाहिए बैंक से ऑफ रुपीज 50 लाख। इधर तक ठीक है? ओके, अभी मैं तुमको दोनों कंपनीज का एक्स एंड वाई का कैश बैंक बैलेंस बताता हूं, ठीक है। सुनो, से कंपनी एक्स की बैलेंस शीट में उसका कैश एंड बैंक बैलेंस है 1.5 करोड़, एंड कंपनी वाई के बैलेंस शीट में
से कैश एंड बैंक बैलेंस टू द एक्सटेंट ऑफ 1 करोड़। उधर 1.5 करोड़ है, इधर 1 करोड़ है, इधर तक ठीक है। ओके, अभी तुम लोग बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। से तुम लोग बैंक हो, ठीक है, अभी तुम लोग बैंक हो ना, तो तुम लोग लोन दे सकते हो, बराबर, तुम लोन दोगे। अभी बैंक के पास एक लिमिटेशन है बच्चों, वो या तो लोन दे सकता है एक्स को या तो लोन दे सकता है वाई को, दोनों को नहीं, किसी एक को। तो अभी तुम जरा सोच के बोलो, अगर तुम बैंक हो गए तो लोन किसको दोगे? औरंगाबाद बराबर, वैशाली नगर बराबर, रतलाम बराबर, जूनागढ़ बराबर, वापी बराबर, सब बराबर, एक्स को दोगे। रीजन ये है कि अल्टीमेटली उसका कैश बैलेंस ज्यादा है तो उसका रीपेमेंट कैपेसिटी फास्टर होगा। हेलो, बराबर। ओके, थोड़ा और आगे लेके जाता हूं, सुनना। से कंपनी एक्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनऑडिटेड है, कंपनी वाई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड है, कैन यू टेल मी अभी तुम लोग लोन किसको दोगे? सडनली तुम्हारा आंसर वाई हो जाएगा बच्चों। उसका रीजन क्या है पता है? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझने का कोशिश करो। अगर कंपनी वाई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलरेडी ऑडिट हुआ है, उसका ये मतलब है व्हाट इज रिटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी वाई इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू व्हाट इज रिटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी एक्स। सबको समझा? इट मींस आपका क्रेडिटिबिलिटी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बढ़ जाएगा। इट मींस क्या बच्चों, सुनो, व्हाट इज द फर्स्ट बिग एडवांटेज? फर्स्ट बिग एडवांटेज इज इट हेल्प्स टू एनहांस। व्हाट इज एनहांस? इंक्रीज। इट हेल्प्स टू इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्रेडिबिलिटी मतलब क्या? रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये समझा? दूसरा एडवांटेज तुम्हारे सामने था, अगर तुम ऑडिट करोगे, इफ यू पीपल अग्री, इट हेल्प्स टू ऑब्टेन लोन्स। इट इज बिकॉज अगर आपको लोन चाहिए बच्चों तो बैंक के पास जाना पड़ेगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, तो वो लोग कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिफर करेंगे, ऑडिटेड या अनऑडिटेड? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हेलो, ओके, आगे चलते बच्चों, ध्यान देना। नाउ तुमको अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान देना प्लीज। अभी तुमको उतना तो कॉमन सेंस होएगा, हर एक कंपनी में क्या क्या होते रहता है बच्चों? फ्रॉड्स। अभी जिधर भी फ्रॉड्स होता है ना, उसके साथ होते हैं एरर्स। तो हर एक कंपनी में क्या क्या होते हैं? फ्रॉड्स एंड एरर्स, बराबर। ओके, नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू यू बच्चों, ये फ्रॉड्स एंड एरर्स करता कौन होगा? बराबर, मैनेजमेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या स्टाफ, मतलब जो भी है कंपनी के अंदर, बराबर। क्वेश्चन, ये किसी को तो चेक करना पड़ेगा ना कि फ्रॉड्स एंड एरर्स हो रहे हैं, तो उनको रोकना भी पड़ेगा। कैन यू टेल मी कौन रोकेगा? डेफिनेटली तुम लोग का आंसर टू एन एक्सटेंड सही है कि ऑडिटर रोकेगा, पर अगर तुम मेरी मानो, पहला ड्यूटी है मैनेजमेंट को रोकने का, बराबर, क्योंकि मैनेजमेंट डे टू डे बिजनेस करता है। अगर मैं बॉस हूं और मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ फ्रॉड कर रहा है, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहले रोकने का, ऑडिटर का बाद में। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी, ऑडिटर का सेकेंडरी। हेलो, बराबर। पर क्या ऑडिटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? सेकेंडरी तो सेकेंडरी, पर है तो सही, बराबर। तो तीसरा एडवांटेज क्या है, सुनो, अगर तुम ऑडिट करोगे, ऑडिटर हमेशा रखेगा एक चेक।
एंड वो हमेशा चेक रखेगा ऑन एम्प्लॉयज। मतलब क्या, अगर कोई एम्प्लॉय कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है, ऑडिटर चेक करेगा और रोकेगा। हेलो, सोच के बोलना। अगर तुम कोई फ्रॉड कमिट करते हो बच्चों, वो मॉरल होता है क्या? इमोरल। इमोरल बराबर। एंड देयरफॉर ऑडिटिंग कीप्स कौन सा चेक? मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज, कि तू मॉरली काम कर रहा है या नहीं, इमोरल काम ना कर। इसके लिए फ्रॉड्स एंड एरर्स कम होंगे, थोड़े रिस्ट्रिक्टेड होंगे। इधर तक सब दिमाग में होना चाहिए बच्चों। ओके, थोड़ा और आगे सुनो। मैंने तुमको जस्ट अ वाइल बैक क्या बोला, हर एक कंपनी में क्या होता है, फ्रॉड्स एंड एरर्स। क्वेश्चन, किसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कम करने का? मैनेजमेंट का। अभी सुनना, ये मैनेजमेंट कम करेगा बाय सेटिंग अप समथिंग विच इज नोन एज अ सिस्टम। पर ये कौन सा सिस्टम है? ये वो सिस्टम है जो कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है? फ्रॉड्स एंड एरर्स। पर ये सिस्टम कहां लगाया है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड। इनसाइड, तो ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल? इंटरनल। इसके लिए हम ये सिस्टम को क्या बोलते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। शॉर्ट में क्या बोलने का? ICS। इधर तक जो बोला ये समझा क्या? मैं तुमको एग्जांपल देता हूं, सुनो। ICS का एग्जांपल देता हूं। ए, बिल्डिंग के बाहर तुमने बॉडीगार्ड लगाया, सिक्योरिटी लगाया। क्यों लगाया? कोई कुछ गलत ना करे। से, तुमने सब एम्प्लॉय को आइडेंटिटी कार्ड दिया कि दूसरा बाहर वाला इधर ना आ जाए, सिर्फ एम्प्लॉय आए, तो आइडेंटिटी कार्ड सिस्टम है। से, तुमने फिंगर स्कैनिंग लगाया कि अल्टीमेटली जो एम्प्लॉय का फिंगर है वही आ सकता है, बाकी कोई नहीं। हर जगह हो चुका है ये सब बच्चों, अच्छी अच्छी जगह पर। सिमिलरली से अल्टीमेटली तुमने एक्सरे मशीन लगाया कि कोई हजारडियस मटेरियल तो नहीं ला रहा है कि बॉम्ब लेकर आया। हेलो, सिमिलरली आई होप यू रियलाइज, सीसीटीवी कैमराज लगाया अंदर देखने के लिए कि कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, बिग बॉस जैसा। तो बच्चों ये सब मिलके बनता है एक सिस्टम, पर ये सिस्टम होता है कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए? फ्रॉड्स एंड एरर्स। एंड ये सिस्टम होता है अंदर, इसके लिए हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। हेलो, सिंपल क्वेश्चन, कौन सेटअप करेगा? मैनेजमेंट। बराबर। कौन चेक करेगा? ऑडिटर। बराबर। सबसे पहले मैनेजमेंट बच्चों, पर ऑडिटर भी तो करेगा, उसका भी तो ड्यूटी है। हेलो, मतलब क्या? सेटअप करेगा मैनेजमेंट, चेक करेगा ऑडिटर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? सुनो बराबर से, अगर तुमने ऑडिट किया तो उसका एक और एडवांटेज क्या है? इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ द ICS। मतलब इट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट द कंट्रोल्स ऑफ द ICS, वेदर द कंट्रोल इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। क्लियर? ओके, अगर तुमको ये चार एडवांटेजेस बच्चों दिमाग में फिट हो गए, तो फिफ्थ वन इज एब्सोल्यूट कॉमन सेंस। फिफ्थ वाला क्या बोलता है? ऑडिटिंग हेल्प्स इन प्लानिंग। दिस इज कॉमन सेंस। दिस मच क्लियर? तो कितने एडवांटेजेस हुए बच्चों? पांच। वन, एनहांस क्रेडिबिलिटी। दूसरा, हेल्प्स टू ऑब्टेन लोन्स। तीसरा, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज। चौथा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएट होता है। एंड पांचवा, प्लानिंग में हेल्प करता है। पर बच्चों, जहां जहां एडवांटेजेस होते हैं वहां वहां डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो सुनो डिसएडवांटेजेस, कोई मुझे बोल सकता है डिसएडवांटेजेस? दो डिसएडवांटेजेस के अलावा, टाइम मत बताना और मनी मत बताना, टाइम एंड मनी को छोड़ के।
बराबर मथुरा बोलता है इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर नॉट गिवन देन देयर इज नो ट्रू व्यू दैट इज ट्रू गुड उज्जैन बोलता है वी हैव टू रिलाई ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स उज्जैन एकदम अच्छा वेरी गुड सुनो डिसएडवांटेजेस बहुत सिंपल सिंपल है वैशाली नगर बोलता है वर्क स्ट्रेस ऑन ऑडिटर ओके वापी बोलता है हैव टू डिपेंड ओनली ऑन बुक्स वापी एकदम बराबर गुड आंसर्स सुनो मैं सिंपल करके देता हूं बोर्ड पे ध्यान दो ऑडिटर क्या चेक करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर अभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता कौन है मैनेजमेंट बराबर अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन है सर मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया ही नहीं ऊप्स अगर गधो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया ही नहीं तो ऑडिटर क्या मैनेजमेंट को चेक करेगा नहीं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ऑडिटर हैज टू डिपेंड एंड ही हैज टू डिपेंड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट मतलब ऑडिटर डिपेंड करेगा एफएस पे जो मैनेजमेंट को बनाना है और बच्चों अगर ऑडिटर किसी पे अगर डिपेंड होता है तो वो एडवांटेज होगा कि डिसएडवांटेज सो व्हाट इज द फर्स्ट डिसएडवांटेज ऑडिटर हैज टू डिपेंड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियर ओके सेकंड सुनना बराबर से क्या कोई मुझे बोलता है ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने के बाद क्या देगा बराबर गुड अल्टीमेटली ऑडिटर को देना पड़ता है ओपिनियन एंड वो किस पे ओपिनियन देगा बराबर He has to give an opinion on the financial statements. तो अभी सुनो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं अगर ऑडिटर को ओपिनियन देना है तो ऑडिटर को चाहिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन बराबर ओके अभी ये जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम लोग ऑडिट अरे बच्चों अगर तुमको किसी पे या किसी चीज पे अगर आपको ओपिनियन देना है तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे इंफॉर्मेशन दो मैं ओपिनियन देता हूं अभी अगर आपको कोई पूछेगा राहुल मेहता कैसा पढ़ाता है आपको तभी पता होगा जब आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके पास नॉलेज है कि अच्छा है या नहीं सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अल्टीमेटली मुझे अगर ओपिनियन देना है तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो सही है कि नहीं मीनिंग समझा क्या ओके तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन को हम लोग ऑडिटिंग में बोलते हैं सुनना है बराबर से ऑडिट एविडेंस अरे बच्चों इट इज जस्ट अ फैंसी नेम देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट जैसे तुम्हारे पास फैंसी नेम है मेरे पास फैंसी नेम है वैसे अल्टीमेटली इसका फैंसी नेम है ऑडिटिंग में अभी से याद रखने का इंफॉर्मेशन को दो वर्ड्स में बोलने का ऑडिट एविडेंस और ऑडिट एविडेंस को एक वर्ड में बोलने का इंफॉर्मेशन मीनिंग इज वन एंड द सेम मीनिंग समझाना जैसे पेट नेम होता है ना पेट नेम वैसे इसका पेट नेम है तो इंफॉर्मेशन का पेट नेम क्या है ऑडिट एविडेंस और ऑडिट एविडेंस को एक वर्ड में क्या बोलने का इंफॉर्मेशन मीनिंग ठीक है ओके तो सुनो अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ना गधो ये दो टाइप की हो सकती है रेड से अच्छा लग रहा है सुनो या तो इंफॉर्मेशन होगी परसुएसिव ओहो अंग्रेजी सब समझाऊंगा या तो होगा कंक्लूसिव या तो परसुएसिव या तो कंक्लूसिव अभी दोनों का मतलब बताता हूं परसुएसिव मतलब वो 100% सही नहीं होगा वो टू एन एक्सटेंट सही होगा तुमको ऐसा बिलीव होगा कि यह सही है हेलो और कंक्लूसिव इंफॉर्मेशन मतलब जो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है वो 100% सही है इंफॉर्मेशन के साथ एविडेंस 100% करेक्ट पर अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन नो एविडेंस परसुएसिव अरे मीनिंग ठीक है क्या अभी जरा सोच के बोलना जो ऑडिटर को इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके पास से मिलेगा
मैनेजमेंट बराबर ओके क्वेश्चन, वो इंफॉर्मेशन कंक्लूसिव होगा हमेशा या परसुएसिव? करेक्ट, इंफॉर्मेशन हमेशा होगा परसुएसिव, कभी भी नहीं होगा कंक्लूसिव, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कंक्लूसिव नहीं देगा, बिकॉज यू कैन नॉट 100% ट्रस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि ओवरऑल मैनेजमेंट मैनिपुलेशन कर सकते हैं ना यार। तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या होगा? परसुएसिव, क्या नहीं होगा? कंक्लूसिव, बराबर। अभी कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, अगर सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कंक्लूसिव नहीं है और परसुएसिव है तो ये एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। सो व्हाट इज द सेकंड डिसएडवांटेज? ऑडिट एविडेंस विच इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इज ओनली परसुएसिव एंड इट इज नॉट कंक्लूसिव। मीनिंग क्लियर? ओके, एंड द लास्ट वन, आई वॉन्ट टू पे अटेंशन, वडोदरा दोनों उठो, उतना भी बुरा नहीं पढ़ाता हूं मैं। इतना ऑडिटिंग कोई सिंपल करके देगा तो बोलना मुझे। सुनो अभी बराबर से, नाउ आई होप रियलाइज, तीसरा डिसएडवांटेज ये है, जस्ट अ व्हाइल बैक मैंने तुमको क्या बोला, दैट हर एक कंपनी में फ्रॉड्स एंड एरर्स होता है, पर वो फ्रॉड्स एंड एरर्स कम करने का जिम्मेदारी मैनेजमेंट का होता है, पर वो मैनेजमेंट सॉल्व करता है बाय सेटिंग अप आईसीएस। अभी मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है, ये जो आईसीएस मैनेजमेंट सेटअप करके देता है, क्या ये 100% इफेक्ट होगा? क्या? कभी भी नहीं। तुम कोई भी सिस्टम लगा लो बच्चों, हर एक सिस्टम में खामियां होती है, मतलब हर एक सिस्टम में लिमिटेशन होगा ही, अग्रीड? ओके, मैं तुमको थोड़े एग्जांपल देता हूं लिमिटेशन के। मैं तुमको एग्जांपल देता हूं लिमिटेशन के, फॉर अ सिंपल एग्जांपल, थैंक्स वैशाली, फॉर अ सिंपल एग्जांपल से अल्टीमेटली ये जो सिस्टम तुमने सेटअप किया ना, ये जो तुमने ये सिस्टम, अरे लेस यू नहीं है वो ब्लेस यू है मथुरा, लेस यू क्या, मुझे कम करोगे? लेस यू बी तो लगा। हाँ सुनो अभी, इन दैट वेरी केस एग्जाम्पल, ये जो सिस्टम तुमने सेटअप किया है, अभी ये सस्ता तो नहीं होगा, अगर तुमको सिस्टम इधर उधर लगाने का है, आई होप यू रियलाइज पैसा चाहिए, तो ये कॉस्टली है, तो इट इज एक्सपेंसिव। सिमिलरली तुम ऐसा सोचो, अल्टीमेटली सिस्टम तो लगा दिया, पर ये सिस्टम रन करना है आदमियों को, ह्यूमंस को। अभी ह्यूमन का बड़ा प्रॉब्लम है, वो मिस्टेक करता है तो ह्यूमन एरर हो जाता है, तो हमेशा वो रहता है। सिमिलरली कोई भी सिस्टम लगा लो, नई टेक्नोलॉजी आते रहती है, तो अगर टेक्नोलॉजी आती गई पर तुमने सिस्टम लगा दिया और सिस्टम को अपडेट नहीं किया तो आउटडेटेड हो जाएगा। तो ये जो भी मैंने तुमको बोला आर द लिमिटेशंस ऑफ आईसीएस, अग्रीड? हाँ, ये जो लिमिटेशंस है उसका एक नाम है, इट इज इनहेरेंट लिमिटेशंस। व्हाट इज इनहेरेंट? इनहेरेंट मींस इनबिल्ट, मतलब ये लिमिटेशंस को ओवरकम नहीं कर सकते, ये लिमिटेशन तो चलते ही जाएगा, इट विल ऑलवेज बी देयर। क्लियर बच्चों? तो कॉमन सेंस लगा के बोलो, अभी अगर तुमने सिस्टम लगाया पर उसमें लिमिटेशंस है, तो ये सिस्टम जो तुमने लगाया है 100% इफेक्टिव नहीं है, तो ये एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज? डिसएडवांटेज। तो कैन यू टेल मी हाउ मेनी डिसएडवांटेजेस? 3, 1, डिपेंड ऑन एफएस, सेकंड ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव, ऑडिट एविडेंस मतलब इंफॉर्मेशन, ये इसका पिटनम है। सिमिलरली थर्ड वन, इनबिल्ट और इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ आईसीएस। क्लियर? लेट अस राइट, लिखो बच्चों। अरे हीरो, लिखो बच्चों। सबसे पहले पहला चैप्टर लिखेंगे, उसका हेडिंग दो पहले चैप्टर का,
इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, टुमारो आई थिंक देर आर टू लेक्चर्स नो, सुबह आई थिंक स्टैंडर्ड्स है एंड दोपहर में आई थिंक ऑडिट है, गॉट इट है ना, कल सुबह स्टैंडर्ड्स है 10:15 से 12:45 एंड फिर 1:15 टू 3:45 में हूँ पूरे दिन में, लो सहन करो। औरंगाबाद बोलता है सर दिन भर आप हमसे इतना नहीं ला ले जा सकता, इतना क्या टॉर्चर कर रहे हो, वापी बेचारा उल्टा अच्छा बोल रहा है मजा आएगा, और ये देखो औरंगाबाद सो रूडिया लिखो हाँ। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग चैप्टर का हेडिंग एक मिनट वापी में कनेक्ट करो ना, वापी हेलो सर, हाय मैन केम छो सर, एकदम मजा में, अभी तो वापी आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ तो डेफिनेटली और मजे में, हाँ सर नेक्स्ट मंथ वापी आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ट्वेंटी फर्स्ट, हाँ सर आओ आवीस आवीस फॉर श्योर फॉर श्योर फॉर श्योर सेंटर में आता हूँ, घुमाना थोड़ा और तेरे को ही आके मुर्गा बनाऊंगा मैं, रुक तू सर, ओके ओके सब ठीक, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरीथिंग गुड, हाँ सब खर्चा मैं दे दूंगा भिखारी, टेंशन मत ले, बाकी सब गुड, हाँ सर ओके, हाँ सर सबको समझ रहा है, ओके ओके मैन फेयर इनफ, थैंक्स मैन, आई विल बी बैक, चीयर्स मैन, यस सर, राइट ऑन बच्चों। अच्छा नॉर्मली मेरे नोट्स में क्वेश्चन आंसर वाइज जाता हूँ क्योंकि वो बेस्ट होता है लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, तो राइट डाउन क्वेश्चन वन, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऐसे ही जाने का, राइट डाउन क्वेश्चन वन, राइट डाउन व्हाट इज ऑडिटिंग, what is auditing and what are its advantages and what are its advantages and disadvantages, ओके क्वेश्चन मार्क, आंसर लिखो बच्चों और हमेशा एक रेड पेन अपने साथ रखना क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे वो मैं रेड पेन से लिखाऊंगा, ठीक है, आंसर लिखो, ऑडिट इज अ ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड Independent examination and an independent examination of data of data, comma, statements and records
कॉमा ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस वापी बराबर ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटरप्राइज ऑफ एन एंटरप्राइज पता है वापी नोटबुक जैसा कुछ नहीं फुल स्टॉप लीव अ लाइन नेक्स्ट राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग ये जो तुम 85 साइड्स लिखोगे ना 85 टू 90 साइड्स ये बेस्ट थिंग है फॉर द एग्जाम ऑफ ऑडिटिंग बेस्ट थिंग एवर यू विल कम टू नो लेट मी एंड द सब्जेक्ट राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग उसको अंडरलाइन करो उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन कितने एडवांटेजेस हैं पांच राइट डाउन पहला लिखो ऑडिटिंग रेड पेन से लिखो एनहांसेस क्रेडिबिलिटी enhances credibility normal pen se continue karo of the financial statements of the financial statements uske brackets mein likho fs तो अभी से हम जब भी एफएस लिखेंगे मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतना लिखा नेक्स्ट लीवल लाइन नहीं नेक्स्ट लाइन में लिखो चलेगा पॉइंट नंबर टू ऑडिटिंग हेल्प्स टू अभी रेड पेन से लिखो ऑब्टेन लोन्स एंड एडवांसेस नाउ नॉर्मल पेन एज द बैंक्स स्लैश एनीबडी बराबर वडोदरा वैशाली नगर उज्जैन सब सही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गुड बैंक्स स्लैश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रिफर ऑडिटेड एफएस फुल स्टॉप नेक्स्ट थर्ड ऑडिटिंग कीप्स अ रेड पेन से लिखो मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज यस एब्सोल्युटली सेम थिंग इन द एग्जाम प्लीज मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज नॉर्मल पेन से कंटिन्यू करो देयर बाय प्रिवेंटिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स ए फुल स्टॉप नेक्स्ट पॉइंट नंबर फोर औरंगाबाद ये क्वेश्चन बात के लिए रखो ना यार दीज आर जनरल डाउट्स
कम ऑन यार, पॉइंट नंबर फोर लिखो, ऑडिटिंग हेल्प्स इन रेड पेन से लिखो, इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर फाइव, ऑडिटिंग रेड पेन से लिखो, फैसिलिटेट्स प्लानिंग, फैसिलिटेट्स मतलब हेल्प्स इन, फैसिलिटेट्स प्लानिंग, नाउ नॉर्मल पेन, ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स, ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स। सिर्फ फुल स्टॉप, लीव अ लाइन, लिखो डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। उसको अंडरलाइन करो, उसके नीचे लिखो पॉइंट नंबर वन, कितने डिसएडवांटेजेस है दो, तीन, बराबर, राइट डाउन पॉइंट नंबर वन। राइट डाउन द ऑडिटर हैज टू, वाह द ऑडिटर हैज टू, मजे, द ऑडिटर हैज टू, अभी रेड पेन से लिखो, डिपेंड ऑन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, depend on books of accounts, normal pen se continue karo, which are prepared by the bolo, by the whom, मैनेजमेंट, बराबर, विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट, विच आर प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर टू, ऑडिट इन्वॉल्व्स एन एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, ऑडिट इन्वॉल्व्स एन एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, ऑन द पार्ट ऑफ द ऑडिटर, क्या लिखा।